को वेरियंट स्ट्रक्चर ऑफ दर्थोगनल फैक्टर मॉडल्स अब फैक्टर एनालिसिस के अंदर बेसिकली अब हमने देखना है को वेरियंट स्ट्रक्चर क्या है कोवेरियंस स्ट्रक्चर हम चेक कर रहे हैं फैक्टर एनालिसिस में दर्थॉग्नल फैक्टर मॉडल विथ के कॉमन फैक्टर वी नो दैट दॉमन फैक्टर हेयर इज द मॉडल एक्स विच इज इक्वल्स टू लेमडा एफ प्लस ई अब फ, इसी मॉडल को हमने आयथ फॉर्म में लिखा है अगर प्रीवीएस यादव दिस इज कॉल्ड देशन नंबर वन का था This is the model where E i is the ith specific factor, fi is the common factor, and lambda is the loadings. Loadings of ith variable on the kth factor. Lambda is the loading of the ith variable on the kth factor. And f these are the factors uski transpose layer F1, f2 up to so on, fk, and here is the error e1, e2 up to so on, ep. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ दैमडा दिस इज कैपिटल लैमडा और यह आपके पास की। फ्रॉम मॉडल, वी कैन सी दैट प्रीवियस अभी हमने देखा था एजाम्शन हमारे पास क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ इक्वल टू जीरो फैक्टर की एक्सम्पन uh, हम एक्सपेक्टेशन लें विच इज इक्वल टू जीरो फैक्टर की को विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी आयर की एक्सपेक्टेशन इक्वल्स टू जीरो adder covariance which is equal to psi and the psi which is equals to diagonal of E i. These are the assumptions of the factor analysis model and the covariance of E F prime, which is equal to covariance of F E prime. Both are the equal. This is the factor analysis model. A further hamne is the prime la transpose leye. So transpose apply applied Then एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज और थॉगनल है ना आपके पासनल के लिए एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज एक्स में हमारे पास फैक्टर की वैल्यू आ गई ट्रांसपोज में भी वैल्यूज आ गई आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन लेमडा एफ इंटू लेमडा प्राइम एफ प्राइम लेमडा फर्स्ट सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा लेमडा इंटू एफ ई प्राइम देन सेकेंड वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ई एफ प्राइम लेमडा एंड द लास्ट ई प्राइम

टेशन अपलाई हो जाएगी ई e एफ पे एंड आफ्टर डैटेक्टेशन अपलाई हो गई प्राइम e e'. क्योंकि वेरिएबल तो बेसिकली ई e है ना आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स एक्स प्राइम एंड यू नो दैट एफ एफ प्राइम विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एफ प्राइम विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्यू क्योंकि को वेरियंस किसके इक्वल है को वेरियंस ऑफ एफ विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी यहां से आप उसकी एक्सपेक्टेशन निकाल लो तो को वेरियंस बेसिकली क्या होता है आपके पास जनरल डेफिनेशन कोवेरियंस आपके पास बेसिकली क्या हो कोवेरियंस ऑफ एक्स हम ले रहे हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई के लिए फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जे माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स j दिस इज द कोवेरियंस वैल्यू ऑफ आयत एंड यूनिट सो so, यहाँ पे इस केस में अगर मैं इसको को वेरियंस ऑफ एफ ले लूँ तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आपके पास एफ एफ प्राइम आ गई यहाँ पे माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ प्राइम तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एफ एफ प्राइम की वैल्यू हमारे पास वन को वेरियंस और यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ जीरो एक्सपेक्टेड वैल्यू एफ प्राइम ये अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो तो हमारे पास को वेरियंस एफ एफ प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी आइडेंटिटी वो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली है एक्सपेक्टेड वैल्यू एफ एफ प्राइम आइडेंटिटी सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई विच इज इक्वल्स टू जीरो एक्सपेक्टेड वैल्यू अगेन ई प्राइम इक्वल्स टू जीरो एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ई प्राइम विच इज इक्वल्स टू वेरियंस एंड वेरियंस विच इज इक्वल्स टू साई नाउ ये एलिमिनेट हो गई आपके पास ये टू वैल्यूज एलिमिनेट होगी क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू विच इज इक्वल्स टू जीरो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स एक्स प्राइम हमारे पास ये रह गई सो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स एक्स प्राइम विच इज इक्वल टू क्यों कोवेरियंस के इक्वल है क्योंकि रिमेनिंग वैल्यू क्या है कोवेरियंस की माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्राइम वो हमारे पास फैक्टर जीरो तो हमारे पास कोवेरियंस टर्म क्या हो गई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्स प्राइम विच इज इक्वल टू सिग्मा क्योंकि ये हमने लिखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जीरो के इक्वल है Now the one, हमने इसको क्या वैल्यू ऑफ़ एक्स एक्स प्राइम से किया, हमने इसको, कि इसकी जगह तो द को वेरियंस विच इज इक्वल टू दिसंस ऑफ एक्स एफ इन टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एफ अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स एफ की तो एक्स एफ प्राइम एक्स आपको पता मॉडल है मॉडल की वैल्यू ले ली एफ प्राइम एज इट इज देन इसको मल्टीप्लाई कर दिए एफ 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 प्राइम प्राइम प्लस ई हमारे पास ये वैल्यू आ गई एक्स इंटू एफ आफ्टर दैट टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड एक्सपेक्टेशन ली यू नो दैट एफ एफ प्राइम विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई

into expected value of f so expected value of x 0 so 0 multiplied by any value which is equals to 0 that is we are calling the covariance of x f which is equals to expected value of x f prime equals to lambda this is the equation number two for the ith individual of the variance covariance are obtained as follows this is the model for the ith ke liye the model open kar liye previous jaise hum model open kar rete, for ith ke liye, हमने आयत के लिए वैल्यू मॉडल ओपन हुए देन हुआ है वेरियंट ऑन बोथ साइड अब आप देखो जब हम वेरियंट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास लेमडा के दीज आर वैल्यूज ना क्योंकि लेमडा की तो वैल्यू हमारे पास नहीं है तो दीज आर दंसिडर आर द कॉन्स्टेंट तो लैमडा स्केयर अप्लाई हो गया वेरियंस फैक्टर के ऊपर सिमिलरली लेमडा आई टू स्केयर वेरियंस अप्लाई हुआ फैक्टर पे अप टू सो ऑन प्लस आप आई वेरियंस अप्लाई किया हमने बोथ साइड पे फर्दर ये जो आपके पास लेमडास हैं उन सारे लेमडास को हमने कॉमन ले लिया यानी आप उसमें उनको अलग कर लिया प्लस वेरियंस ऑफ ई आई फीवेस हमें पता है कि वेरियंस ऑफ ई आई विच इज इक्वल टू साई साई क्या है आपके पास वेरियंस ऑफ ई आई डायगनल एंड वेरियंस ऑफ एफ फैक्टर ऑफ एफ विच इज इक्वल टू वन तो हमारे पास फैक्टर वन वन फैक्टर एफ टू वन फैक्टर एफ के वन ये सब वन है तो आपके पास वेरियंस ऑफ एक्स आई में ये आ गई एंड प्लस साई वेयर आई आई वेरी कर रहा है टू फर्दर इन सब को हम सम में लिखा है सम एम एक नोटेशन लिया है क्योंकि बिकॉज आई चल रहा है तो हमने अदर नोटेशन चेंज करने के लिए एम लिया है एम वेरी वन टू के लेमडा आई एम स्क्वायर इसको जनरल कर दिया है दिस इज द देंडा आई एम स्क्वायर प्लस साई आई दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर थ्री अब मैं इसमें पुट करूं तो आपके पास क्या होगा एम वन लेमडा आई वन स्क्र वही आ गया एम टू लेमडा आई टू स्क्र तो उसको सम अप कर लिया हमने के टाइम्स में क्योंकि वेरिएशन कहां तक है के तक कहां आएगा लेमडा आई के फेयर तो ये सम अप में आ गया प्लस आई आई आर इज दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री also covariance between xi and xj is given as this this is the general formula of the covariance as i said before the covariance which is equal to this and you know that the expected value of xi and the expected value of xj which is equals to 0 Humne isko 0. Liya. further expected value of xi xj which is equal to this up is the open because qk expected value of xi xj which is equal to the covariance of the xi xj तो हमने क्या लिया पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स आई xj की वैल्यू ले रहे हैं सो एक्स आई मॉडल में आपको पता है एक्स आई किसके लिया हमने ले लिया। अब इनके मल्टीप्लीकेशन लेप्लाई बैमडा जे वन एफ वन तो एफ एफ मल्टीप्लाई हो गए एफ वन स्क्र सो दू वन लेमडा जे वन फर्दर लेमडा आई टू एफ टू लेमडा जे टू एफ टू एफ टू एफ टू एफ टू स्क हमारे पास फर्दर लेमडा आई टू लेमडा जे प्लस प्रोडक्ट होंगे आपके पास कौन सी होंगी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू दीज आर क्रॉस प्रोडक्ट तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने प्लस आज इट इज कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर टर्म्स में अब उसको हमने कंपाइल किया सम अप कर रहे हैं अब उसको हम सब में सिंप्लीफाई करें बेसिकली तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किस पे अप्लाई होगी फैक्टर्स पे फैक्टर्स पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई होगी प्लस ई सी पी टी मीन प्रोडक्ट टर्म्स यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट टर्म अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर आपको पता है कि वन के इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर वन है तो वन उसका स्क्यर भी हमारे पास एफ स्क्र भी वन के इक्वल हो गए तो यहाँ से क्या हो गया लेमडा आई वन लेमडा जे वन लेमडा आई टू जेम लेमडा जे टू सोन सैमडा आई के लेमडा जे के अब इस सबको सम अप कर लिया सम में हमारे पास आ गई है जी एम समेरीज वन टू के अगेन हमने नोटेशन में एम ऐड किया एम वेरीज वन टू के लेमडा आई एम लेमडा जे एम आई एम मीन्स फॉर वन लेमडा आई वन लेमडा जे वन तो वही आ जाएगी तो उसको हमने सम अप करके लिख दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस विच इज इक्वल टू लेमडा आई एम लेमडा जी एम और प्रीवियस हमने देखा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज इक्वल टू द को वेरियंस नाउ द को वेरियंस क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्ट को वेरियंस ऑफ एक्स आई एक्स जे विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई एक्स आई एक्स जे था उसकी वैल्यू हमने एंटर की हेयर इज द इक्वेशन नंबर फोर दिस इज द को वेरियंस इट इज सीन दैट द ऑफ एक्स आई प्रीवियस हमने देखा है पार्टीशन इंटू दोर्शन ऑफ वेरियंस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द के कॉमन फैक्टर दिस इज देश अब पोर्शन हमारे पास क्या है यह आपके पास फैक्टर लोडिंग प्लस कॉमन फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर जिसको हम कह रहे हैं द पोर्सन ऑफ द वेरियंस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द के कॉमन फैक्टर यह आपके पास हो गया दिस इज दोर्शन कॉल द आय कमैलिटी एंड द पोर्सन ऑफ वेरियंस ड्यू टू दिक वेरियंट कॉम्बिनेशन so, है द फर्स्ट पार्ट इज कम्यूनालि हमारे पास ये सारे टैमडास हैं एंड सेकेंड पार्ट इज द स्पेसिफिक वेरियंट स्पेसिफिक वेरियंस जिसमें हमारे पास साई की वैल्यूज है दीज आर दिकरियंस तो वेरियंस इज देशन ऑफ दीज टू एंड हेयर इज देशन

आपके पास कौन सा इफेक्ट आ रहा है दीज आर दायगनल वैल्यूज क्योंकि ये डायगनल में आपके पास वेरिएंसेस हैं वो वेरिएंसेस एड हो रही हैं इस फैक्टर में तो ऑफ डायगनल का इफेक्ट तो इसमें नहीं आ रहा ठीक है वो आपको क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा है द फैक्टर एक्सप्लेन दाइगनल टर्म ऑफ सिग्मा नेमली को वेरियंस एग्जैक्टलीस साई इज डायगनल साय में कौन सी है जस्ट डायगनल वैल्यूज हैं ऑफ डाइगनल वैल्यूज जीरो हैं इट मींस डाइगनल का इफेक्ट इस पे आ रहा है इस फैक्टर पे यानी कि इस क्वांटिटी पे डायगनल का इफेक्ट आ रहा है ऑफ डाइगनल का इफेक्ट नहीं आ रहा बिकॉज के ऑफ डाइगनल वैल्यूज हमारे पास जीरो हैं इट इल्सो स्टैब्लिश दैट फाइंडिंग द फैक्टर लोडिंग वॉट इज द फैक्टर लोडिंग दैट इज दैमडा इज असेंशियलीक्वल टू द फैक्टराइजेशन द कोवेरियंस ऑफ एक्स इज़ दर्टिकुलर केस विद द एडिशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ साय नॉन नेगेटिव गिवन अ पर्टिकुलर सिग्मा अब जो आपके पास डायगनल आ रही हैं वो तो वेरियंसिस आ रहे हैं वेरियंसेज आपके पास क्या होते हैं नॉन नेगेटिव तो आपके पास फैक्ट्राइजेशन के बाद अगर हम करें वहाँ से सपोज कोई हमारे पास वेरियंस नेगेटिव आ जाता है इट मीन्स कि अब सोल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वेरियंस का इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है जो कि रेयर केस है लेकिन समटाइम्स ये चीज़ एग्जिस्ट कर जाती है टू एग्जिस्ट एंड इफ इट डज वेदर इट इज़ यूनिक तो हमने तब देखना है कि जब हमारे पास ये इफेक्ट वेरियंसिस का रिजल्ट कहीं एक नेगेटिव आ रहा है तो तब हम उसको फर्दर कैसे हैंडल करेंगे उसके लिए हम फर्दर इसको स्टडी करेंगे फिर हम रोटेशन की साइड पे जाते हैं अगर कोई ऐसी वैल्यूज आ जाएँ हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर हमें उसमें रोटेशन करनी होती है रोटेशन मीन्स कि हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे द टोटल पैरामीटर वी नंबर ऑफ है इज द के पी प्लस द नंबर ऑफ कम्यूनल वे पी नाउ दे आर हाफ पी इन पी प्लस वन सेपरेट वेरियंस एंड को वेरियंस इन सेगमा So the equation corresponding the elements of the matrices on both sides, which is equals to this. A further amaripas ka total parameter of the estimated number of factor loadings, that is kp. Or further amaripas ka half p into p plus 1. We have half p into p plus 1 equation signpas. Kitni equations are total amaripass p into p plus 1, half. वी जेनरली रिक्वायर द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी लेस देन दंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास इसकी बेसिक क्या होगी हमारे पास कंडीशन के नंबर ऑफ पैरामीटर वो लेस होंगी नंबर ऑफ इक्वेशन से और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है वच इज इक्वल टू लेस टोटल नंबर ऑफ इक्वेश हमारे पास इतनी आएंगी और कंडीशन क्या है जिसको हमने जेनरली चेक करना है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने थे हमारे पास के पी

लेस देन इक्वल्स टू पी पी प्लस वन तो ये पी और पी कैंसिल हो गए अब सो के प्लस वन हाफ ऑफ पी प्लस वन फर्दर हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है जी के इक्वालिटी के इस साइड पे यहाँ पे हो गया वन बाई टू पी प्लस वन माइनस वन के लेस देन वन बाय टू हम टोटल में इससे कॉमन तो आ गया पी प्लस वन माइनस टू तो आपके पास रिमेनिंग क्या हो गया p प्लस वन माइनस टू की तो हो गया आपके पास p माइनस वन सो दिस इज द कंडीशन दंडीशन k इज लेस देन हाफ पी माइनस वन इन अदर वर्ड्स k शुड बी फेयरली स्मॉल कॉरिस्पॉन्ड विथ p बट इट डज नॉट गारंटी दैट अ सोलूशन विल एग्जिस्ट कंडीशन तो हमारे पास यही है बट वो कह रहे हैं कि इसकी गारंटी नहीं है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ इट इज नॉट एग्ज देन फर्दर हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम फर्दर चेक करते हैं